व्याकुलता क्यों, ये भय क्यों? माता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान को पूर्ण अमरत्व समझने की भूल कर रहे हैं मेरे स्वामी? मंदोदरी, तुम्हारा आभास निराधार नहीं है। रावण को ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु देव, असुर, पशु, यक्ष, गंधर्व द्वारा नहीं होगी, पर एक स्त्री, इसका नाम नहीं लिया उन्होंने। माता, माता उस दिन आपने क्या देखा था, जिस दिन लंकेश आपके पास आए हुए थे उस स्त्री के बारे में जानने के लिए, जो उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है? हमने एक स्त्री को देखा था जो नारायण की आराधना इस कामना से कर रही थी कि नारायण उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे, और नारायण के उस अवतार का उस स्त्री से विवाह हो चुका है। माता, माता कोई तो मार्ग होगा ना आपके पुत्र की रक्षा करने का? उपाय तो तुम स्वयं हो मंदोदरी। तुम्हारा सतीत्व, यदि तुम सच्ची पतिव्रता हो तो जाओ रक्षा करो अपने पति की, निष्प्रभाव कर दो उस विष्णु पत्नी का शाप। माता तुम लौट जाओ, सीता मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, मैं समाधि में हूं। उचित है माता, मैं प्रतीक्षा कर रही हूं, आपके आशीर्वाद के बिना मेरी विदाई नहीं होगी। जिनका ज्ञान मेरे जीवन का दर्शन बना, जिनका व्यवहार मेरे व्यक्तित्व की प्रेरणा, आज उनके नेत्रों में अश्रु। गार्गी वाचकनवी के सीमित संसार में एक तुम ही तो उसकी आत्मीय थी, तुम्हारी विदाई होते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? अपने आप से दूर होता हूँ कैसे देखो तुम? माता, ये संसार का नियम है कि एक ना एक शिक्षा पूरी होने के उपरांत शिष्य को गुरु का घर छोड़ना ही पड़ता है। यही संसार के हित में भी है। गुरु से मिली शिक्षा और ज्ञान को लोगों की भलाई में उपयोग कर सके, यही शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अब मेरे कर्तव्य पथ पर जाने का समय आ गया। आपसे मिले ज्ञान और शिक्षा को जीवन की कसौटी पर परखने का समय आ गया। मेरा आपका संबंध जन्म मरण से परे है माता। मैं कहीं भी रहूं, आपके विचार मुझ में सदैव जीवित रहेंगे। आपकी स्मृति सदैव जीवन की जटिलताओं का सामना करने का साहस देती रहेंगी। मुझे
मुझे आशीर्वाद दीजिए। राय, मैंने देखा है संबंधों के निर्वाह में शिथिलता आ जाती। लोग ये नहीं समझते कि पुत्री के संबंध का निर्वाह एक तपस्या है, और जिस प्रकार तपस्या में धैर्य, त्याग, एकाग्रता, समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार संबंधों की सफलता के लिए भी उन सभी चीजों का बहुत महत्व है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें कि तुम्हारी सारी मनोरथ पूर्ण हो पिता, और तुम रघुकुल की ज्योति बनो, और तुम्हारा गौरव गान संसार के सभी प्राणियों द्वारा गाया जाए। हमने एक स्त्री को देखा था जो नारायण की आराधना इस कामना से कर रही थी कि नारायण उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर नारायण के उस अवतार का उस स्त्री से विवाह हो चुका है। यदि तुम सच्ची पतिव्रता हो तो जाओ, रक्षा करो अपने पति की, निष्प्रभाव कर दो उस विष्णु पत्नी का शाप। मार्ग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तेरे स्वामी के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन है? कौन है जो मेरी सहायता कर सकता है? विष्णु भक्त ने दिया था। हाँ, हाँ, तो कोई विष्णु भक्त ही होगा जो इस शाप से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। किंतु विष्णु भक्त कौन?